उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद के कलेक्टरेट में जिला कांग्रेस कमेटी ने अयोध्या में बनने वाले श्री राम मंदिर के नाम पर जमीन खरीदने के नाम पर हुए फर्जीवाड़े को लेकर जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान कलेक्टरेट में तैनात पुलिस के जवानों एवं कांग्रेसियों में जमकर झड़प भी हुई। कांग्रेस ने भाजपा पर मंदिर के नाम पर चंदे की चोरी का आरोप लगाते हुए राष्ट्रपति के नाम से संबोधित ज्ञापन अपर जिलाधिकारी को सौंपा। प्रदर्शन कर रहे उत्तर प्रदेश कांग्रेस पिछड़ा वर्ग के प्रदेश उपाध्यक्ष कैलाश चौहान ने प्रदेश की भाजपा सरकार आरोप लगाते हुए कहा कि जिस जमीन को 2 मिनट पहले 2 करोड़ की बेची गई, उसी जमीन को राम जन्मभूमि न्यास ट्रस्ट ने मंदिर के लिए 18 करोड़ में खरीदी गई। ऐसे में 16 करोड़ जनता के चंदे के पैसे की बंदर बांट की गई। राम मंदिर के नाम पर ट्रस्ट में जो जमीन खरीदा है 5 मिनट पहले, वह जमीन जो है 2 करोड़ में बिकी, वही जमीन 5 मिनट बाद 18.5 करोड़ में ट्रस्ट के लोगों ने लिया और नीचे से लेकर ट्रस्ट लेकर मोदी योगी की सरकार ने उसमें जो है 16 करोड़ रुपए का घोटाला किया है, जो देश के आवाम का चंदा का पैसा है। जी जो जो पार्टी राम की नहीं हो सकी वो देश की आवाम की क्या होगी, ये जो है इस प्रकरण की सीबीआई जांच होनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी इस बात की मांग कर रही है और कांग्रेस पार्टी का नारा है कि चंदा चोर गद्दी छोड़। कांग्रेस पार्टी द्वारा जो है शहर के अध्यक्ष श्री विष्णु प्रकाश कुशवाहा उनके साथियों द्वारा आज जो है कलेक्ट्रेट परिषद में जो है ये माननीय राष्ट्रपति महोदय जी को संबोधित ज्ञापन दिया गया है, जिसमें कई बिंदु हैं और ये ज्ञापन आपको सुना भी। सर, पुलिस से काफी धक्का मुक्की हुई है? नहीं, कोई धक्का मुक्की नहीं।